कि ये बच्चे बेरोजगार हैं, जितनी फैक्ट्रियां बंद कराई हैं योगी मोदी ने बंद कराई हैं, जितने कारखाने बंद कराए योगी मोदी ने बंद कराए हैं। अच्छे काम भी तो होंगे ना सरकार, अच्छा काम नहीं है, गंदे वालों का पैसा नहीं दिया का अच्छे काम, ये गंदे वालों का पैसा नहीं दिया है, ये अच्छे काम है इनके। हाँ, रेल बंद कर दी अच्छे काम है, रेल प्राइवेट में दे दी अच्छे काम है, फैक्ट्रियां प्राइवेट, बैंक प्राइवेट कर दी, ये अच्छे काम है। करेंगे बात करेंगे चाचा। हाँ, तो आप क्या मानते हैं कि क्या है यहाँ से, किसकी लहर क्या पकड़ के? यहाँ तो भैया हाथी की लहर है, हाथी की, हाथी की। हाँ, मायावती ने शासन किया था, बड़ा अच्छा शासन किया था, चोर गुंडे एक लाइन में लगा दिए थे, यहाँ तो तमाम गुंडा बढ़ गए भाजपा में, कोई सुनता भी नहीं है, पुलिस वाला दलाली करता है, और ये तो दलालों की सरकार है, मायावती के यहाँ दलालों की सरकार नहीं थी, और ये तो भाजपा दलालों की स्वयं प्रत्याशी लड़ रहा है, ये कमीशन एजेंट है, ये कमीशन एजेंट है प्रत्याशी, यहाँ ये नहीं देख रहा कि ब्राह्मण की लड़की या उसकी, ऐसा कुछ नहीं है, जाकर आपकी लड़की पढ़ ले पड़ी घसीट ले गई ले गए भाजपा टी ना आज तक। लेकिन चाचा सवाल ये है कि मायावती जी इतने दिनों तक नजर तो नहीं आई? अरे नजर नहीं आई तब भी उनका वजूद है, वो एक ईमानदार नेता है, मायावती बहुत बड़ी ईमानदार नेता है। क्या क्या अच्छा रहा उनके? अच्छा उनके राज्य में आया का सब बच्चों को नौकरी मिलती थी, आज बेरोजगार बच्चे ढूंढ रहे, आज की तारीख में 8वां 10वां 15 कर दो, जिसकी क्वालिफिकेशन 6% थी वो लड़का धट्टी में पड़ा हुआ है, किसी के लिए रोटी रोजी का कोई तरीका है ही नहीं भाजपा में, ये सरकार ये तो बहुत बड़ी निकम्मी सरकार है, इससे तो मायावती की सरकार मौजूद थी, बहुत बड़ी ईमानदार थी मायावती सरकार, ऐसी थी कि सबको रोटी रोजी देती थी, आज ये सरकार उसे जो चून दे के आटो दे के दाल दे के डाला दे के टुकड़ा डाल रही है कि हमें वोट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होना है, वोट मायावती का पड़ेगा, मायावती का पड़ेगा। हाँ, तो इस सरकार में तो यही बताया जाता है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, खत्म का अनाज गुंडा, अभी जो एक लड़का ले गया मिट्टी डाल के टोरी में गड्ढा का जे, तो जो थाने वाले गए होगा अपने 20,000 रुपया ले ले, जो ठेली छोड़ी 20,000 ले ले, हमारे यहाँ की छोटा पड़ी जाए बुग्गी मिट्टी लेके आवे तो 5,000 चाहिए, ये धंधा बना रखा है अभी अपी वालों ने, अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। अरे ऐसे ऐसे लोग आठिया दिग्गज रहता है, वो कहते हैं सरकार ऊपर तक पैसा चाहिए, कांटे आवे को या किसान भी खा ले, तो ऐसा गलत हो रहा है यहाँ का, किसानों को खा रहे हैं। 5 साल योगी सरकार देख ले, कुछ नया काम काज देखा आपने? कोई है ही नहीं, कोई काम ही नहीं है नया, कहाँ से आया योगी सरकार में, कोई काम नहीं है, इतना नया काम देखा है क्या? बच्चों के साथ जो गद्दारी हुई है वो किसी सरकार में नहीं हुई, आज बच्चे रोजगारी पे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे इनकी नौकरी लायक बच्चे हैं, क्लास पढ़े हुए हैं, ये घर पे बैठे हुए हैं रो रहे हैं, और वो दाना डाला जा रहा है कब तक? जब तक सरकार नहीं बनेगी, जब तक ये पूंजीपतियों की देश सरकार है, इसका तो कहना ही क्या है, यह तो वोट गिरी हुई सरकार है, यह वो सरकार है कि बेटी को ऊपर ले ले, ये और ज्यादा क्या कहलवाओगे, इससे तो सारे लोग परेशान हैं, ये सरकार अब आनी नहीं है, ऑटो में हमने देखा था वहाँ जहाँ वो बुरु लड़ रहे हैं प्रत्याशी मंडलेश्वर जी लड़ रहे हैं ना, वो अपनी सीट को नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ उन्होंने धोखेबाजी की एक प्रत्याशी के साथ, वो ब्राह्मण था बेचारा या कौन था पता नहीं है, तो उसने 25 साल राजनीति की वहाँ, और 25 साल तो MLA MP बना रहा, और सिंचा उस देश को वहाँ जाके वो कूद के पहुँच गए, वो बेबच्चे में आ गए, वहाँ उनका वो अपनी सीटर तो निकाल ले पहले। तो आपने नया काम काज नहीं देखा? कोई है ही नहीं नया काम काज, इतना नया काम है कि योगी मोदी जा सड़क बने रहे रोड तो मिलेंगे बड़े बड़े योगी मोदी बड़बड़े रहे बड़बड़े ऐसे ऐसे का कोई बालक एहसान है बाले कोई व्यवस्था ना है, और जितना पैसा भेजा हुआ नहीं भेजा हुआ कोई गौशाला नहीं बनवाई है। अच्छा, बताया जाता है कि किसानी खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए सम्मान निधि दी जा रही है, तो उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि किसी सरकार ने सम्मान नहीं दिया, ऐसा है क्या? सम्मान निधि मिलती थी, यहाँ के लोग जानते नहीं है क्षेत्र के, मैं बता रहा हूँ यहीं क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ,
लेकिन ज़्यादातर मैं बाहर रहता हूँ। क्या हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती थी खाटी यूरिया डी ए पी इत्यादि खाद सामग्रियों पर? हाँ, और 5% मिलता था उसका, सब्सिडी मिलती थी 5%, उसको बंद कर दिया। 45 किलो डी ए पी या यूरिया कर दिया, पैसे उठने आई है उसको तुम्हें गुमराह करके दे रहे हैं, गुमराह करके दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और डी ए पी नहीं मिली है, किसान तो इतना परेशान है कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चाचा इस बार नया मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बता रहे हैं कि जो किसान जो हैं जो सिंचाई करेंगे, जो बिजली का बिल आएगा वो माफ होगा इस बार। हाँ। तो उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? और क्योंकि हाथरस में तो है, हाथरस में जो है बताया जाता है कि टमाटर और शायद आलू की सबसे ज्यादा खेती होती है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आलू की खेती होती है, तो उस पे भी जो है अच्छा खासा रेट मिलेगा इस बार? हमारे यहाँ आलू की खेती होती है और 200 रुपया कट्टा बिकवा दो, व्यापारी खरीद ले, बीएपी वाले व्यापारी है, दलाल है, उनने खरीदे और फटे किसान बहका दो, 100 रुपया दे के छोड़ दे। खोल भरे हुए पड़े हैं, धोखेबाजी हुई है किसान के साथ, और वो 200 रुपए कट्टा दिखाए तो किसान के साथ धोखा। इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच करके जाएंगे? क्योंकि गाना तो यही चल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो बड़े गद्दार हैं, देश को जो 20 साल पीछे कर दिया, इनको वोट तो कोई देगा ना? अच्छा दिन होगा, जानता है वो वोट नहीं देगा, कभी भी नहीं वोट देगा इनको, क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चे बेरोजगार हैं। जितनी फैक्ट्रियां बंद कराई हैं योगी मोदी ने बंद कराई हैं, जितने कारखाने बंद कराए योगी मोदी ने बंद कराए हैं। अच्छे काम भी तो होंगे ना सरकार? कोई अच्छा काम नहीं है, गन्ने वालों का पैसा नहीं दिया का अच्छे काम, ये गन्ने वालों का पैसा नहीं दिया है, ये अच्छे काम है इनके? हाँ, रेल बंद कर दी अच्छे काम है, रेल प्राइवेट में दे दी अच्छे काम है, फैक्ट्रियां प्राइवेट, बैंक प्राइवेट कर दी, ये अच्छे काम है। चलिए अब ये बता दीजिए कि इस बार आपने क्या सोचा है? हमने ये सोचा है कि दूसरी सरकार आए आज हमने, और चाहे कुछ भी हो बदलाव आना चाहिए। बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल बदलाव करेंगे।